भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में फिर से गवर्नमेंट रिपीट कर रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हम सब लोग काम में लगे हुए थे। पूरे प्रदेश के नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जो एग्जिट पोल आया उससे ये साबित हो रहा है कि जो हम लोग दावा करते थे कि हम रिवाज बदलेंगे, वो दावा सही साबित होता नज़र आ रहा है। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी करता हूँ और उसके साथ साथ कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है या लड़ रही थी वो लोगों को बरगला करके वोट ले जाना चाहती थी और अभी भी उनको उम्मीद है कि हमारे बरगलाने की शायद लाभ उनको मिलेगा। जैसे दो पॉइंट्स वो लेते थे उन पॉइंट्स के ऊपर ही उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मैं ये मानता हूँ कि हिमाचल में विकास हो, हिमाचल में ईमानदार गवर्नमेंट चले और दिल्ली और प्रदेश में एक गवर्नमेंट चले, ऐसा प्रदेश की जागरूक जनता ने उसके पक्ष में वोट दिया, ऐसा सर्वों के माध्यम से भी लगता है और हमारी जो फीडबैक है उससे भी लगता है। तो ये अच्छा संकेत होगा हिमाचल के लिए, फिर से गवर्नमेंट आएगी तो केंद्र का सहयोग भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा और प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते रहेंगे, वरना कांग्रेस के समय पर हमेशा प्रोजेक्ट्स लटकते रहे हैं, हमेशा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है और आपसी लड़ाई आप लोग देख रहे हैं। कांग्रेस में आज ही फुटोबल हो रही है, चीफ मिनिस्टर बनकर के लोग अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वो जो प्रदेश के लिए भी अच्छा है और बीजेपी के लिए भी अच्छा है कि हिमाचल में बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा से आए। मेरा ये मानना है कि इससे पहले जो एक साल पहले चार इलेक्शन आए थे जिसमें तीन विधानसभा के थे, एक सांसद का चुनाव था, तो उससे बढ़िया एग्जिट पोल क्या हो सकता है। अगर आप उनको देखिए तो उस वक्त महंगाई मुद्दा था, उस वक्त बेरोजगारी मुद्दा था, लेकिन उस वक्त अग्निवीर नहीं था, उस वक्त OPS नहीं था। अगर आप इनको लेकर चले तो उसके बाद भी दो तीन मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो जो वो उपचुनाव थे उससे बढ़िया कोई एग्जिट पोल नहीं हो सकता है। आज जो है जो बड़े आज तक है या ABP न्यूज़ है, बड़े बड़े चैनल जो दिल्ली में बैठकर एग्जिट पोल दे रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। मैं यहाँ की तो जो लोकल चैनल्स हैं वो कांग्रेस को लीड बता रहे हैं, जो दिल्ली वाले बैठे हैं वो BJP को लीड बता रहे हैं। तो ये जो एग्जिट पोल है ये एक दूसरे से प्रभावित लगते हैं, ये पार्टियों को देखकर बनाए गए हैं। तो मेरे लिए जो एग्जिट पोल है वो उपचुनाव था, तो उपचुनाव में कांग्रेस चारों सीटें जीती थी, उसी तरीके से दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत जो है वो कांग्रेस लेने जा रही है। आज के बाद आप मुझे 8 तारीख को बात करना, 50 से 4 ऊपर भी हो सकती है, 50 से 4 नीचे भी हो सकती हैं। ये मैं आज जो बात बोल रहा हूँ यही रिजल्ट आएंगे, 50 से 4 नीचे भी हो सकती हैं, 50 से 4 ऊपर भी हो सकती है, ये रिजल्ट आएंगे आप देख लेना।